नमस्कार। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि चंद्र और मंगल आकर बैठते हैं तो क्या इनकी युति से लक्ष्मी योग बनेगा, और बनेगा तो कितना फलीभूत होगा जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व लक्ष्मी योग की शर्तें क्या है, चंद्रमा और मंगल दोनों में से कोई मारक नहीं होना चाहिए। मारक कहने का तात्पर्य छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा और मंगल में से कोई एक अस्त न हो, यानी सूर्य के सानिध्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य से जब ये अस्त हो जाएगा तो जैसे ही चंद्र और मंगल में से कोई एक ग्रह सूर्य के सानिध्य में चला जाएगा तो वो बलहीन माना जाएगा। सूर्य के पास अथाह तेज है, सूर्य के तेज के सामने बाकी के ग्रहों का तेज का फीका पड़ जाता है। चंद्रमा और मंगल में से कोई एक निर्बल न हो, मृत न हो, पीड़ित न हो, मृत। अब मृत रहेगा तो आप यूं मान सकते हैं कि कोई ग्रह मृत है तो क्या फल वो देगा। पीड़ित, अगर मान लीजिए कि लक्ष्मी योग बन रहा है लेकिन कहीं से शनि की दृष्टि, कहीं से राहु की दृष्टि, कहीं से केतु की दृष्टि पड़ जाए तो क्या अच्छा लाभ मिल पाएगा। जो सप्तम भाव है ये बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का और छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों का घर है। इस भाव में चंद्रमा और मंगल बैठेंगे तो योग तो अच्छा बनेगा, लक्ष्मी योग बहुत अच्छी कंडीशन में बनेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव जो है वो एक केंद्र का भाव है, और केंद्र का भाव होने के कारण यदि लक्ष्मी योग बन जाए इस भाव में, पाप रहित हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में ये योग बने, इन दो योग ग्रहों में बल हो, तो आप यूँ मान लीजिए कि कोई भी जातक विवाह से पूर्व चाहे तो बिजनेस करता हो तो बिजनेस में भले ही उसे बार बार घाटे का सामना करना पड़ रहा हो, किंतु जैसे ही उसकी विवाह होगा, गवर्नमेंट क्षेत्र का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि केवल चंद्र और मंगल की स्थिति को देखकर ये कहना अत्यंत ही कठिन है कि जातक का जीवन साथी गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा या जातक का विवाह के बाद गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी। लेकिन ये बात एकदम टू दी पॉइंट कही जा सकती है कि विवाह होने के बाद जातक के जीवन में, व्यापार में जैसे मानो चार चांद लग गए हैं, बिजनेस की स्थिति अच्छी रहेगी। धन की कमी विशेष रूप से बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मंगल बैठेगा तो धन के भी घर को देखेगा अष्टम दृष्टि से, तो मंगल धन के घर को देखेगा तो धन देगा क्योंकि योग बना रहा है, और योग बना रहा है तो फल तो योग का होना चाहिए। वहीं मंगल दशम भाव को देखेगा तो प्रसिद्धि भी दिलाएगा क्योंकि दशम भाव हमारे प्रसिद्धि का है, बिजनेस तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। अब मान लीजिए कि क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की दृष्टि है, तब क्या फल होगा। जब क्रूर ग्रह या पापी ग्रह देखेगा इस योग को तो इस योग का फल मिलने में काफी विलंब कर देगा, और विलंब करने के साथ ही इस योग के फल में भी कमी कर देगा। यानी मान लीजिए कि इस योग का फल हमें 80% मिलना चाहिए, वहां पर आपको 60% मिलेंगे, 50% मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जीवन का जो पहिया है वो मध्यम गति से चलेगा, पहिया कभी डगमगाएगा नहीं, मध्यम गति से चलता हुआ रहेगा।